हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट रेसिपी होम किचन। आज हम बना रहे हैं कदीमा का सब्जी। ये कदीमा को मैंने डाइस करके रख लिया है और उसमें फ़ोरन पड़ेगा तेज़पत्ता, और ये मैंने मेथी लिया है आधा चम्मच, दो लाल मिर्च और जीरा आधा चम्मच, इलायची आधा चम्मच, और ये मैंने पाउडर लिया है मरीच का पाउडर, आप ब्लैक पेपर भी आप कर सकते हैं। ये जीरा पाउडर आधा चम्मच, और ये लाल मिर्च है और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, दोनों आधा आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसमें मैंने आधा चम्मच लहसुन लिया है, दो चम्मच तेल लिया है, और एकदम थोड़ा सा देख सकते हैं हल्का सा नमक, और इसमें 1.5 चम्मच मैंने चीनी लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले सारे मसाले को इस लहसुन में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। करने से इसमें मसाले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही इसे मिक्स करके रख लेती हूँ। देख सकते हैं हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। तो हम चलते हैं प्रोसेस आगे बनाने के। जी मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, गर्म होगा जब तक। जी हमारा अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, इसे अच्छे से ऐसे फैला के डाल देते हैं। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं अच्छे से। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, देख सकते हैं अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम हल्का आँच करके अपना फोरन डालते हैं। सबसे पहले हम इलायची, जीरा, मेथी डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे से पकते हैं, मीडियम फ्लेम पे फोरन पकाना चाहिए। पक चुका है और इसमें हम लाल मिर्च डाल देते हैं और इसे हल्का सा इसे हल्का लाइट ब्राउन करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा मिर्च हो चुका है। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं, इसे हल्का सा चला लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा फोरन पक चुका है अच्छे से। अब इसमें हम कदीमा डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये 2 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चलाते हैं। अभी और थोड़ा लाइट ब्राउन होगा, फिर से चला के देखते हैं। ये देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है, ऐसे ही मैं एक बार और चला के हल्का सा लाइट ब्राउन और कर लेना है, दूसरे साइड से भी सारे होते हैं। उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। ये हमारा 2 मिनट हो चुका है और ये देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। आप लोग भी ऐसे ही मसाला करके डालिएगा, बहुत अच्छा बनता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाला की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मसाला को अच्छे से फ्राई करना है। मुझे तो कदीमा का सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ये हमारा देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सारे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रखते हैं। इसे अब हम अच्छे से कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो चुका है, अब चलिए हम देखते हैं इसे कवर हटा के। इसे हम चलाते हैं, ये देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। इसे हम कवर इसलिए करते हैं ताकि इसमें से जो नमी है वो बाहर निकले और अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग को ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, बहुत पसंद आएगा। हम इसे फिर से एक बार कवर कर देते हैं। दो
दो मिनट के लिए। इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं एक बार और। ये देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा अच्छे से ये हो चुका है, देखिए पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें चीनी और नमक दे देते हैं। पहले हम इसमें नमक दे देते हैं, फिर इसमें चीनी और इसे मिक्स कर देते हैं। अगर आप लोग को मीठा नहीं पसंद तो बस नमक डाल सकते हैं। अब इसमें हल्का सा हम पानी दे देते हैं, देख सकते हैं कितना कम पानी है, इतना ही डालिएगा। ये देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया, अब इसे कवर कर देते हैं अच्छे से। ये हमारा दो मिनट हो चुका है, अब इसे देख सकते हैं पानी अच्छे से खोल चुका है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देख सकते हैं कितना यम्मी और लजीज सा लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।